नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिटेल डिजाइन एक्टिविटीज की, ठीक है। तो ये जो अपन अभी तक एक्टिविटीज कर रहे हैं, दीज आर मेनली हाई लेवल डिजाइन एलिमेंट्स, जिसमें अपन डिजाइन प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए अपने सिस्टम को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। अपन काफी सारे प्रिंसिपल्स यूज करते हैं उसको ब्रेक करने के लिए, उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, ये बताते हैं कि वो कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, उन कंपोनेंट्स का बिहेवियर कैसा होगा, वो स्टेट्स कैसे चेंज करेंगे एंड सो ऑन। तो पर फिर भी ये काफी हाई लेवल डिजाइन अपन बोल सकते हैं, जिसमें कि अपन उसकी इंडिविजुअल इम्प्लीमेंटेशन लेवल डिटेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप अपना आ जाता है डिटेल डिजाइन। ये जनरली अपन तब करते हैं जब सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो आपने पहले कभी नहीं बनाया है, ठीक है। तो इस केस में अपन डिटेल डिजाइन तक जाते हैं। यूजुअली डिटेल डिजाइन इज ऑप्शनल डिपेंडिंग अपॉन द मेच्योरिटी लेवल ऑफ योर कंपनी इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी या सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहली एक्टिविटी जो अपन स्टडी करेंगे वो है प्रोसेस डिजाइन, ठीक है। तो इससे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस की अभी तक अपन ने बहुत बार बात की, अपन ने फर्स्ट डे से प्रोसेस की बात करना शुरू की थी जब अपन ने इंजीनियरिंग को डिवाइड किया था इन टर्म्स ऑफ फोकस, प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड टूल्स, ठीक है। तब से अपन प्रोसेस की बात करते हैं, बट दिस प्रोसेस इज नॉट दैट, उसके साथ अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसेस दैट आर टू बी परफॉर्म्ड और टू बी एग्जीक्यूटेड बाई आर सॉफ्टवेयर, ठीक है, नॉट बाई ह्यूमंस, ठीक है। जो डेवलपर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, डिजाइनर, आर्किटेक्ट हैं, उनको जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करने हैं उनकी बात नहीं कर रहे, ये वो प्रोसेस है जो अपने सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज प्रोसेसेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस डिजाइन, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर फेज व्हाट वी डू, वी आइडेंटिफाई ऑल प्रोसेसेस फ्रॉम सिस्टम मॉडल्स एंड डेवलप अ प्रोसेस स्पेसिफिकेशन करस्पॉन्डिंग टू ईच प्रोसेस, ठीक है। तो अपन ने जो मॉडल्स बनाए हैं उसमें से बिहेवियरल मॉडल में जाके देखो, स्ट्रक्चरल मॉडल में जाके देखो, और वहां से अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप डीएफटी बना रहे थे, उसमें आपके पास स्टूडेंट मैनेजमेंट का आपने एक पहले, लेट से मैं यूं कहूँ कि एक एंटिटी बना दी स्टूडेंट मैनेजमेंट, फिर आपने उसको आपकी लेवल 1 डीएफडी के अंदर आपने उसको फर्दर ब्रेक किया और उसमें आपने बना दिया कि ऐड स्टूडेंट एंड अपडेट स्टूडेंट, लेट से फिर अपडेट स्टूडेंट को आपने और ब्रेक किया और उसमें आपने कह दिया अपडेट स्टूडेंट आईडी, लेट से सॉरी जनरेट स्टूडेंट आईडी, और लेट से अपडेट स्टूडेंट रिजल्ट, लेट से अपडेट स्टूडेंट सेमेस्टर एंड सो ऑन। तो अब बेसिकली जैसे लेवल 2 तक अपन पहुंच गए, अब लेवल 3 में और अपन ब्रेक नहीं कर पा रहे, ठीक है। जितने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग अपने डीएफडी आइटम के, वो सारे अपन एक सफिशिएंट डिटेल तक अपन उसको ब्रेक कर चुके हैं, तो अब लेवल 3 और नहीं आने वाला है। तो लेवल 2 पे ये जो आइटम्स बन गए अपने कि जनरेट स्टूडेंट आईडी, अपडेट स्टूडेंट रिजल्ट, तो अब ये क्या कहलाएंगे, अपने सिस्टम के प्रोसेसेस कहलाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई प्रोसेसेस। तो ये जस्ट एक एग्जांपल हुआ कि डीएफबी से अपन ने प्रोसेस कैसे आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा अपन बिहेवियरल मॉडलिंग, जो अपने सीक्वेंस डायग्राम्स थे कि ठीक है, या फिर स्टेट चार्ट डायग्राम्स है, उनसे भी अपन प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। लेट से जैसे सीक्वेंस मॉडलिंग में आपको एक जगह दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दी हुई है कि कैसे कोई अपना पासवर्ड रीसेट करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको ऐसा ऐसा डायग्राम बना के बताया हुआ होगा कि यूजर आएगा, लॉग इन पेज पे जाएगा, वहां से फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेगा, फिर अपना ईमेल एड्रेस इनपुट करेगा, फिर वो अपन डेटाबेस में चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता एंड सो ऑन। तो ऐसा आपको एक पूरी सीक्वेंस दी हुई है, तो वहां से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉरगॉट पासवर्ड इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ आर सिस्टम, ठीक है। तो इसी तरह स्टेट चार्ट से भी, इसी तरह यूज केसेस से भी, अपने जो अलग अलग अपन सिस्टम मॉडल्स बनाए हैं उनसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने सिस्टम में प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। जनरली प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सेट ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन इनपुट टू जनरेट और टू प्रोड्यूस अ सर्टेन आउटपुट। तो बेसिकली अपन ऐसे प्रोसेसेस अपने सिस्टम से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद में जब अपन डिटेल डिजाइन पे जाते हैं तो क्या करते हैं, हर प्रोसेस को एक यूनिक आईडी अलॉट करते हैं,
उसका नेम देते हैं कि वो प्रोसेस का नाम क्या है, एक फॉर्मल नेम उसका देते हैं और उसका एक नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उस प्रोसेस में अपन क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके अलावा इनपुट आउटपुट डेटा आइटम्स देंगे कि वो क्या इनपुट लेता है, क्या आउटपुट देता है। फिर टाइप ऑफ प्रोसेस देंगे कि वो बैच टाइप का है, पैरेलल टाइप का है, यूजर इंटरफेस टाइप का है, या लेट से मे बी नेटवर्क रिलेटेड प्रोसेस एंड सो ऑन। तो देयर कुड बी एनी सच टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस डिफाइंड विद इन आवर सॉफ्टवेयर और वो टाइप असाइन करेंगे। फिर डिटेल्स ऑफ सब प्रोसेस आ जाएंगे कि उस प्रोसेस के फर्दर अगर कोई सब प्रोसेस हैं तो उनका आईडी नेम अपन यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा डिटेल्स ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है जो एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को भी मर्ज करता हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिपोर्टिंग वाला केस था, तो उसमें टू जनरेट अ रिपोर्ट ऑफ ऑल द क्लासेस हेल्ड इन अ वीक, अगर ये अपना एक प्रोसेस है जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट फॉर ऑल क्लासेस हेल्ड इन अ वीक, तो उसमें क्या होगा, अपना एचआर मैनेजमेंट कंपोनेंट भी एक पार्टिसिपेंट है, अपना रिपोर्टिंग मॉड्यूल भी एक पार्टिसिपेंट है, हो सकता है और भी कोई कंपोनेंट्स हो अपने सिस्टम में जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो डिटेल्स ऑफ कनेक्टेड पार्टिसिपेटिंग कंपोनेंट्स आर ऑल्सो डिफाइंड विद इन दिस। फिर प्रोसेस लॉजिक और कंस्ट्रेंट्स अगर कोई है, अगर आप उसके डिटेल्ड लॉजिक डिफाइन करना चाहते हैं कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, या कोई कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करना चाहते हैं तो भी अपन यहाँ डिफाइन करते हैं। उसके अलावा रेफरेंसेस, अगर कोई सिमिलर प्रोसेस आपने पहले बनाया है या कोई सिमिलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको आप रेफर करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के डिज़ाइन के कंटेक्स्ट में, तो वो रेफरेंसेज आप यहाँ मैंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा देयर कैन बी लिंक्स टू रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये पर्टिकुलर प्रोसेस कौन सी रिक्वायरमेंट्स को टारगेट करता है, वो लिंक्स भी अपन यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में क्या क्या डिटेल डालना चाहते हैं। तो जनरली ये प्रोसेस स्पेसिफिकेशन जो होता है, दे आर कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ लेट से सिंगल पेज फॉर्म्स या डिजिटल फॉर्म्स ऑल्सो, जिसमें एक फॉर्म दे दिया जाता है, ठीक है, और उस फॉर्म में आपको उस प्रोसेस की सारी डिटेल्स भरनी होती है। तो जो डिजाइनर्स होते हैं वो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होते हैं, सारे प्रोसेसेस के लिए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, ओनली दोज प्रोसेसेस विच रिक्वायर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उनके लिए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और फिर उन प्रोसेसेस की ये सारा डेटा, या इसके अलावा भी और कोई डेटा अगर कंपनी एक्सपेक्ट करती है, या जो आपका कंपनी का डिजाइन प्रोसेस है उसमें जिस तरह से स्पेसिफाइड है, वो सारा डेटा अपन उस पर्टिकुलर फॉर्म में फिल करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड। फिर क्या होता है, बाद में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर बाद में वेरिफिकेशन के टाइम पे उस प्रोसेस को इवेल्युएट करने के लिए इस प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्गोरिथम डिजाइन की। प्रोसेस डिज़ाइन का एक एग्जांपल लेके, एग्जांपल मैंने बताया था ना, जैसे रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट एक पर्टिकुलर टाइप की रिपोर्ट जनरेट करना है तो वो एक प्रोसेस है, उसमें एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे और उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अपन ये सारा डेटा स्पेसिफाई करेंगे, तो इट विल बी कॉल्ड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, तो ये अपना प्रोसेस डिज़ाइन होगा। नेक्स्ट आता है अपना एल्गोरिथम डिजाइन। अब इसमें क्या करते हैं, अपन इंडिविजुअल जो अपन ने कंपोनेंट्स बनाए हैं, उनकी फंक्शनलिटीज बनाई है, जो प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, ठीक है, जिसके केस में कि अपने को स्पेसिफिक एल्गोरिथम डिफाइन करने की जरूरत है, तो वो अपना पार्ट आ जाता है एल्गोरिथम डिजाइन में। तो इन दिस स्टेप, इन दिस एक्टिविटी, वी राइट डाउन एल्गोरिथम्स फॉर ऑल मेजर क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन अ कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिटेल्स आती है, कंपोनेंट का नेम आ सकता है कि वो एल्गोरिथम कौन से कंपोनेंट से रिलेटेड है, फंक्शन नेम आ सकता है कि क्या फंक्शनलिटी उस वो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आ जाएंगे कि वो एल्गोरिथम में क्या क्या पैरामीटर्स इनपुट जाते हैं, रिटर्न टाइप आ जाएगा, वो किस तरह का डेटा रिटर्न करेगा, ग्लोबल डेटा अगर कोई वो यूज कर रहा है, या कोई अजम्पशंस हैं कि इससे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ हुआ होना चाहिए, या जो डेटा मेरे को इनपुट मिला है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस तरह के अजम्पशंस अपन स्पेसिफाई कर देंगे। टेस्ट कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे कि इस एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन के बाद ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये एल्गोरिथम करेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली एल्गोरिथम लिखना आप सबको आता है, आपने सबने सुडो कोड्स पढ़े हुए हैं,
एल्गोरिथम्स आपको बहुत अच्छे से पता है. दिस इज एग्जैक्टली राइटिंग एल्गोरिथम्स फॉर क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस विद इन आवर सिस्टम. तो हो सकता है कि कुछ केसेस में पर्टिकुलर स्पेसिफिक एल्गोरिथम आपसे कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप यही पर्टिकुलर एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करोगे, तो वो एल्गोरिथम अपन इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं. तो जितने भी डिटेल्ड ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे अपने को डिटेल्ड एल्गोरिथम लेवल पे जाके डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है, तो वो अपन डिटेल्ड डिजाइन में एग्जीक्यूट करते हैं, उसको अपन एल्गोरिथम डिजाइन बोलते हैं. फिर थर्ड आ जाता है डेटा डिजाइन. इन डेटा डिजाइन वी आइडेंटिफाई एंड डिफाइंड डिटेल्ड एट्रीब्यूट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रेंट्स, रिलेशनशिप्स एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स अबाउट परसिस्टेंट एंड ऑपरेशनल डेटा ऑब्जेक्ट्स विद इन ईच कंपोनेंट. ठीक है, तो ये कंपोनेंट में कौन कौन सी टेबल्स आ रही है, उन टेबल में कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, उन टेबल्स पे क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे, प्राइमरी की कौन होगा, फॉरेन की कौन होगा, किस तरह का नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर क्लासेस है तो क्लासेस में कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स होंगे, कौन से प्राइवेट होंगे, कौन से पब्लिक होंगे, कौन सी क्लास किसको इनहेरिट करेगी, इनहेरिटेंस में लेट से कौन कौन से फ्रेंड फंक्शंस, अगर आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं कौन कौन से फंक्शंस फ्रेंड फंक्शंस होंगे, एंड सो ऑन. तो जितने भी डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स स्पेसिफाई करना, उनके डिटेल्ड एट्रीब्यूट्स. लेट से यूजर का ईमेल आईडी के लिए आप कितने कैरेक्टर्स अलाउ करोगे, आप 256 कैरेक्टर्स तक अलाउ कर रहे हो या 128 तक कर रहे हो, या लेट से यूजर के नेम के लिए कितने कैरेक्टर्स अलाउड है, 50 कैरेक्टर्स अलाउड है या 100 कैरेक्टर्स अलाउड है, एंड सो ऑन. तो इस तरह की डिटेल्स जब अपन डेटा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफाई करते हैं तो देन वी कॉल इट डेटा डिजाइन. ठीक है, इट इंक्लूड्स डिटेल्ड क्लास डायग्राम. ठीक है, क्लास डायग्राम्स अपन बनाते आ रहे हैं, अब उनमें अपन डिटेल्स ऐड कर देते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो डिटेल्ड कोलेबोरेशन डायग्राम्स. तो उसमें दो मॉड्यूल्स किस तरह से एसोसिएटेड हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में, वो अपन कोलेबोरेशन डायग्राम में भी स्पेसिफाई करते हैं. फिर आ जाता है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग रिलेशनल टेबल्स. अगर आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं और रिलेशनल डेटाबेस है तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, कोई प्रॉपर्टीज अगर उस पर्टिकुलर टेबल की है जैसे कि उसका कोलेशन कौन सा है, या लेट से उसमें प्राइमरी की कौन सी है, या फिर और कोई कंस्ट्रेंट्स अगर अपन को डिफाइन करने हैं, या कोई इवेंट्स हैं, कोई ट्रिगर्स हैं, तो वो सब अपन डिक्लेयर कर देते हैं कि अच्छा ये टेबल्स बनेगी और इसके ये प्रॉपर्टीज आपको फुलफिल करनी है. और फिर थर्ड आ गया, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स या पर्टिकुलर लाइब्रेरी कलेक्शंस यूज करने हैं तो उसकी डिटेल्स भी अपन ऐड कर देते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ये लाइब्रेरीज आपको यूज करनी ही करनी है इन एनी केस. ठीक है, इसके अलावा भी डिटेल डिजाइन में बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो अपने सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, और अगर अपन डिटेल डिजाइन में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, पर अभी फिलहाल अपन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन इसको स्किप करते हैं क्योंकि जनरली ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जाते हैं. यूजली इन इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द पीपल डू दीज ऑपरेशंस ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ओनली. ठीक है, डू दीज एक्टिविटीज ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ओनली, डिजाइन फेज में जनरली नहीं करते हैं. डिजाइन फेज में सिर्फ तब करनी पड़ती है जब आर सॉफ्टवेयर इज सफिशियंटली कॉम्प्लेक्स, या पर्टिकुलर कोई प्रोसेस, पर्टिकुलर कोई एल्गोरिथम, पर्टिकुलर कोई कंपोनेंट ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, अपने को उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब अपन ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं. तो उसमें क्या है, पर प्लेटफॉर्म सेलेक्शन है, आपको अलग अलग कंपोनेंट हो सकता है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में बना रहे हो, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो, तो प्लेटफॉर्म चूज करना होगा आपको कि कौन से कंपोनेंट के लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज करें. इट कुड बी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, इट कुड बी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ऑल्सो. लेट से आप डेवलप किस में करेंगे और एग्जीक्यूट किस में करेंगे, तो वो भी अलग अलग हो सकता है, वो भी आप चूज करेंगे. फिर रियूजेबिलिटी एनालिसिस करेंगे अपने कंपोनेंट्स का कि कौन से कंपोनेंट्स रियूजेबल है, कौन से रियूजेबल नहीं है, अगर उसमें क्या चेंजेस कर दें कि फिर वो रियूजेबिलिटी उनकी इंप्रूव हो जाएगी, एंड सो ऑन. फिर टाइमिंग एनालिसिस आ जाता है कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के जो फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, तो जनरली दिस इज डन व्हेन वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स फॉर रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, इट कुड बी सॉफ्ट रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम, बोथ केसेस कुड बी देयर, बट टाइमिंग एनालिसिस हैज टू बी देन. उसके अलावा लेट्स से साइबर फिजिकल सिस्टम्स है जहाँ पे कि इवेंट्स को ट्रेस करना बहुत जरूरी है, तो इवेंट्स के केस में वो फिर अपन इवेंट के करस्पॉन्डिंग भी टाइमिंग एनालिसिस कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इवेंट को रेस्पॉन्ड करने में आपको कितना टाइम लगा, एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है यूजर इंटरफेस एंड जीयूआई डिजाइन. ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको हर सिस्टम के लिए करना ही पड़ता है, तो डिटेल में अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं. लेट्स से जैसे अपन वायर फ्रेम बना के दे सकते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, मेरा वेब पेज ऐसा दिखना चाहिए, या लोगो आना चाहिए, ये कलर्स होने चाहिए, एंड सो ऑन. तो अपन जितना डिटेल में जाना चाहे जा सकते हैं यूजर इंटरफेस और जीयूआई को डिफाइन करने के लिए.
फिर स्टिमुली रेस्पॉन्स एनालिसिस आ जाता है कि किस तरह के स्टिमुली आपके सिस्टम में जनरेट होंगे, कौन कौन से इवेंट्स जनरेट होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग जो रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो कैसे कैसे होंगे। अगर मल्टीपल इवेंट एक साथ जनरेट हो जाते हैं उस केस में क्या होगा, फॉल बैक के लिए आपके पास में क्या क्या फंक्शंस हैं, अगर कोई फॉल बैक है कि नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट चली जाती है, डेटाबेस क्रैश हो जाता है, चोरी हो जाती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, देर कुड बी मेनी सच थिंग। तो बहुत सारे इवेंट्स आप कंसीडर कर सकते हैं और इवेंट्स के रेस्पॉन्स को अपन बहुत डिटेल्ड में स्पेसिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के केस में रेस्पॉन्स क्या होगा। तो जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट रेस्पॉन्स सिक्वेंसेस भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कि लेट से कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय कैन बी अ पर्टिकुलर इवेंट, एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर दूसरे में हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको स्पेसिफाई किया हुआ, जैसे ही ट्रांसफर होगा तो उस पर्टिकुलर टीम के या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सारे लोगों के पास मैसेज जाना चाहिए कि ये बंदा ट्रांसफर होके आपका ये नया एसपी आ रहा है, ये इतनी तारीख को आएगा या इतनी तारीख को इसका ट्रांसफर हुआ है, तो इसके वेलकम का जो प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करना है, थिंग्स लाइक दैट। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिस्टम कि आपके स्टिमुली रिस्पॉन्स एनालिसिस में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही है, ठीक है। फिर उसके अलावा आ जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कि वो प्रोजेक्ट कैसे कैसे अपने को उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कैसे शुरू होगा, क्या क्या डेडलाइंस होगी एंड सो ऑन। और उसके अलावा आ जाता है कॉस्ट एंड रिलीज एनालिसिस, ठीक है। तो दीज टू आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेक्ट प्लानिंग, दीज आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज। ये अपन बाद में थोड़ा स्टडी करेंगे, शेड्यूलिंग पे ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, पर कॉस्ट एनालिसिस कॉस्ट एस्टिमेशन अपन अपने सिलेबस में अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है। तो डिटेल्ड एनालिसिस में जनरली अपन ये सारी चीजें भी परफॉर्म करते हैं, हो सकता है इसके अलावा और भी ऑपरेशन हो, और भी एक्टिविटीज हो, वो कंपनी पर डिपेंड करता है, वो कंपनी के स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या चीजें परफॉर्म करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट में आप कितना डिटेल डिजाइन में जाओगे, किस में नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये अपना डिटेल डिजाइन एक्टिविटीज। इसके अलावा सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक डिफाइंड है आपका फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन इज नथिंग बट अ प्रोसीजरल डिजाइन ओनली। आप अगर किसी एप्लीकेशन, बड़ी एप्लीकेशन को ले रहे हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और वो छोटे छोटे पार्ट्स इंडिविजुअल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो देन वी कॉल इट फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। इट इज जनरली दिस टर्म इज कॉइंड जनरली विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ऑल्सो, जिसमें कि अपन सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज दैट आर इन्वॉल्व विद दैट सॉफ्टवेयर। तो जनरली उसके रेफरेंस में फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन वर्ड यूज किया जाता है। दिस इज एग्जैक्टली वट This is the difference is exactly between what we talk about procedural programming and object oriented programming. ठीक है, वैसा ही कुछ है। तो अगेन फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में आप टॉप डाउन अप्रोच यूज कर सकते हैं या बॉटम यूज कर सकते हैं। टॉप डाउन में क्या होगा, आपका ये बड़ा सिस्टम है, इसकी कुछ फंक्शनलिटीज आपने नोट डाउन की कि भाई मेरे डिजाइन में मैंने ये फंक्शनलिटी नोट की, फिर तो उसके बाद में अपन ने इसको दो सब मॉड्यूल में ब्रेक किया, फिर उनके कुछ कुछ फंक्शनलिटी नोट की, फिर इसको फर्दर तीन सब मॉड्यूल में ब्रेक किया एंड सो ऑन। तो फिर ये क्या हो गया, टॉप डाउन हो गया। और उसके अलावा दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि आपने पहले सारी फंक्शनैलिटीज को इंडिविजुअली लिख दिया, ठीक है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपने ऑपरेशन डिफाइन कर दिए, फिर उनको अपन क्लब कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है ये दोनों सिमिलर है इनको मिला के एक बड़ा मॉड्यूल बना दो, ये दोनों सिमिलर है इनको मिला के एक बड़ा मॉड्यूल बना दो, ये एक टीम को दे सकते हैं, ये दूसरी टीम को दे सकते हैं एंड सो ऑन। तो फंक्शन ओरिएंटेड में वी कैन यूज अ टॉप डाउन अप्रोच और अ बॉटम अप अप्रोच, बट जनरली टॉप डाउन अप्रोच इज मोर सुटेबल बिकॉज ऑफ नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ ह्यूमंस इन ब्रेकिंग अ लार्जर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, ठीक है। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन इज मॉडल जनरली यूजिंग डीएफडी स्ट्रक्चर चार्ट्स एंड डेटा डिक्शनरी, ठीक है। ये अपन कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इतना डिटेल में नहीं है, जनरली शॉर्ट नोट आ सकता है मैक्सिमम, पर आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर चार्ट आर नथिंग बट फ्लो चार्ट्स, काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स वेयर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक स्ट्रक्चर चार्ट है कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसे स्ट्रक्चर्ड है। तो ये उसके ऊपर टॉप लेवल एक मॉड्यूल है, फिर उसके अंदर फर्दर ये सेकेंड लेवल मॉड्यूल्स है, फिर थर्ड लेवल मॉड्यूल्स है, तो दिस इज एन स्ट्रक्चर चार्ट। और डेटा डिक्शनरीज आर बेसिकली आर ईआर डायग्राम या लेट्स से अपना टेबल्स का स्ट्रक्चर, आपने अगर पूरा टेबल्स की क्वेरीज दे रहे हैं या टेबल्स के एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं तो वो डेटा डिक्शनरीज हो जाती है कि आपके सॉफ्टवेयर का जो डेटा है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स है उसमें, कौन कौन से डेटा एंटिटीज एंड सो ऑन।
वो अपना डेटा डिक्शनरी हो जाता है। तो इन तीन चीजों के बेसिस पे अपन फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी डिफरेंट थिंग, बट ओनली द वे वी आर थिंकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर डिजाइन दैट इज चेंज, ठीक है। वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड रादर देन स्ट्रक्चर और रादर देन रीयूजेबिलिटी एंड सो, ठीक है। तो देन वी कॉल इट फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपना एक टॉपिक डिजाइन में बच जाता है, वो है डिजाइन रिव्यूज, ठीक है। और ये अपन छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम 15-20 मिनट लगेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर इसके साथ अपनी ये थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, विच इज सॉफ्टवेयर डिजाइन, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन।